चैप्टर 1080, अच्छा चैप्टर। आई फील लाइक ये वीडियो बहुत बड़ी बनने वाली है। ठीक है भाई, मेरे को बहुत मज़ा आया चैप्टर रीड करके। ठीक है, बात करते हैं इस चैप्टर पे आफ्टर दिस इंट्रो, लेट्स बिगिन। वैसे तुम में से बहुत मुझसे पूछते रहते हैं कि एनिमे कहाँ से देखे। सी, आई नो इंडिया में एनिमे काफ़ी लिमिटेड है एंड बहुत लोगों को पायरेटेड साइट से एनिमे देखना पसंद नहीं है। ऐसे में बेस्ट ऑप्शन होता है वीपीएन लगा के लीगली एनिमे देखना, लेकिन आजकल के वीपीएन भी दल्ले से, पता है ना भाई, या तो किसी में स्पीड कम है या फिर स्पीड से ज़्यादा एड्स चलता रहता है, एंड अच्छे वीपीएन भी आजकल भाई फ्री नहीं है, पेड है। वेल, प्रेजेंटिंग यू दिस वीडियो स्पॉन्सर मेटावर्ल्ड वीपीएन। मेटावर्ल्ड वीपीएन एक फ्री हाई अपलोड स्पीड एंड डाउनलोड स्पीड प्रोवाइड करने वाला वीपीएन है, एक डब्लू वीपीएन है। इस वीपीएन में एड्स भी बहुत कम चलते हैं, सर्वर्स लिमिटेड है, लेकिन मोस्टली काम के सर्वर्स तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे फ्री में। एंड अगर तुम्हें और सर्वर्स चाहिए तो तुम इस ऐप का प्रीमियम वर्जन भी ले सकते हो, जिसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मेटावर्ल्ड वीपीएन का प्ले स्टोर का लिंक मिल जाएगा, ज़रूर से डाउनलोड कर लेना एंड बिंज वॉच करो फिर एनिमे इज मस्ट, वो भी लीगली। लमाओ, लेट्स गो। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट कोबी। ब्लैकबियर्ड क्यों कोबी को पकड़ा था उसका रीज़न हमें इस चैप्टर में पता चला है, एंड वो रीज़न मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं। मेरा ये थ्योरी भी बर्बाद हो गया, लेट्स गो। मुझे वैसे लगा नहीं था कि क्रॉस गिल्ड का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा होगा पायरेट्स पर। ऐसा है फिर तो भाई सारे पायरेट्स पागल हो जाएंगे भाई, मरीन्स पे लाइक अटैक कर देंगे ना पागल होके भाई पैसा कमाने के लिए। मिहोक लोगों पे इतना पैसा भी है, लमाओ। एक स्टार का ही मतलब 100 मिलियन दे रहे हैं वो लोग, और कोबी पे 5 स्टार्स है, मतलब गार्प से गुकू एडमिरल्स पे कितना 20-30 स्टार्स होगा कम से कम। 3-4 बिलियन एक इंसान पे भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट दे सकती है, उनका औकात है। मिहोक का इतना भी है, आई डोंट नो। पेरोना हेल्प किए कोबी की इन एस्केपिंग द प्रिजन ऑफ हाचिनोजू। अच्छा लगा पेरोना को बहुत टाइम बाद देख के, एंड उसके थ्रू हमें ये भी पता चला है कि मोरिया इनर प्रिजन में है। बाय द वे, हमें स्वॉर्ड के बारे में पता चला है। अपेरेंटली स्वॉर्ड में वो मरीन से जो रिज़ाइन कर चुके हैं, बट एट द सेम टाइम वो अभी भी वर्ल्ड गवर्नमेंट से कनेक्टेड है, नेवी मरीन से कनेक्टेड है। दे हेल्प मरीन प्रोवाइड द इन्फो रिलेटेड टू डिफरेंट थिंग्स, लेकिन क्योंकि वो एक्चुअल में नेवी का पार्ट नहीं है, वर्ल्ड गवर्नमेंट उनको कभी भी छोड़ सकती है, अबैंडन कर सकती है, इसलिए ये स्वॉर्ड वाले कभी भी योंकों को पे अटैक कर सकते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि ये मरीन और वर्ल्ड गवर्नमेंट से ऑर्डर्स नहीं लेते। नाइस एक्सप्लेनेशन आई मस्ट से, ओडा अच्छा एक्सप्लेन किया स्वॉर्ड को पूरा, रियली अप्रिशिएट दिस। ब्लैकबियर्ड पायरेट से रिलेटेड हमें काफ़ी चीज़ें पता चली हैं। अच्छा, यू रिमेंबर राइट कि लॉ वर्सेस ब्लैकबियर्ड हो रहा था, तुम्हें याद है ऑब्वियसली, कुछ चैप्टर्स पहले ही हो रहा था। उधर पर ना ब्लैकबियर्ड पायरेट्स में से ब्लैकबियर्ड, डॉक क्यू, वैन ऑगर और बर्गस इन्वॉल्व थे जो लॉ से लड़ रहे थे। एंड इस चैप्टर में हाचिनोजू में हमें दिखे हैं शीरियू, वास्को शॉट, पिजारो और सैन जुआन वुल्फ जो भी है। मतलब कि अब हमें सिर्फ 3 ही ब्लैकबियर्ड पायरेट्स के क्रू मेंबर्स का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है, डिवॉन, लेफिटे या लेफिट जो भी था वो नेविगेटर एंड आओकी जी। एंड रिसेंटली हमने एक ब्लैकबियर्ड पायरेट्स का शिप देखा था एग हेड के पास। इसका मतलब समझे तुम? इसका मतलब ये है कि उस शिप में आओकी जी, डिवॉन और लेफिटे हैं। डिवॉन के उस शिप में होने का बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है, दैट इज़ उसका फ्रूट। शीरियो और डिवॉन का फ्रूट बेस्ट काम आएगा किसी भी एरिया में स्निकिंग करने के लिए। एंड मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आओकी जी, डिवॉन, लेफिट जा रहे हैं एगहेड क्योंकि उनको वेगापंक को उठाना है या उसके किसी सैटेलाइट को उठाना है, इसलिए डिवॉन का फ्रूट काफ़ी काम आ सकता है इसमें। लेफिट पे उड़ने वाला फ्रूट है, ये लेफिट है, लफीटे है, जो भी है, मैं लेफिट बोलूँगा, ठीक है, उस पर उड़ने वाला फ्रूट है तो वो कुछ हरकत कर सकता है उससे। ऑल्सो आओकी जी भी इस शिप में है जैसे मैंने पहले बोला, तो क्या कीजरू और आओकी जी का फाइट हमें दिख सकता है, कीजरू वर्सेस आओकी जी इनकमिंग, या फिर कीजरू एंड रॉबिन का रीयूनियन हमें दिख सकता है? आई होप सो दिखे भाई। एंड हाचिनोजू में जो 3 ब्लैकबियर्ड पायरेट्स वाले दल्ले दिखे ना अलॉन्ग विद शीरियो, हमें इनके फ्रूट्स के बारे में भी पता चला है। पिजारो के पास है आइलैंड फ्रूट, आई थिंक इससे वो किसी भी आइलैंड पे फुल कंट्रोल ले सकता है, पिका के फ्रूट जैसा है, बस उधर पे स्टोन था और इधर पर आइलैंड है। वास्को शॉट का दारू वाला फ्रूट है, दरुए इंसान को उसके लायक फ्रूट मिल गया, लमाओ, बबल्स सा बना सकता है भाई अपने दारू से, ये टॉक अबाउट भाई क्रेजी थिंग्स। एंड सान युआन वुल्फ का जाइंट फ्रूट है, इसका शायद पहले से ही हमें बता दिया गया था, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट या इस चैप्टर के थ्रू मुझे तो एटलीस्ट इसके फ्रूट का नाम पता चल गया। हमें 3-4 स्वॉर्ड के मेंबर्स और दिखे हैं और उनका फ्रूट पावर्स भी दिखाया गया है। सुरु डोकरी की पोती दिखी है एंड इस पे विप विप फ्रूट है, विप की हेल्प से किसी को भी टेम कर सकती है।
कोड़े वोड़े बरसाती है भाई, बताओ ये लाइक कोड़े से भाई टेम करने के पावर्स भाई, नाइस ओडा, दिस पावर इज़ नाइस ऑनेस्टली स्पीकिंग। एंड ये स्नाइपर वाली लड़की जो है इस पर कोई डेविल फ्रूट नहीं है, मैं बता दे रहा, ठीक है। इसका जो ये कूल सा दिखने वाला गन है ना, इससे जो बुलेट्स निकलता है वो गन पाउडर को फ्लावर्स में चेंज कर सकता है। वेगापंक का टेक्नोलॉजी कितना वियर्ड एंड फैसिनेटिंग है नहीं। एंड ये क्ले वाला प्रिंस पे क्ले बनाने का पावर है। इसके पावर्स को बहुत लोग शायद लोगिया समझेंगे, बट नहीं, दिस इज मोस्ट लाइकली नॉट लोगिया, क्योंकि अभी तक हमने इसे क्ले से बने गोलम्स को सिर्फ प्रोड्यूस करते हुए देखा है। क्ले इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस, बट वी डोंट नो येट कि ये खुद को भी क्ले में ट्रांसफॉर्म कर सकता है कि नहीं। अगर कर सकता होगा देन फॉर श्योर दिस गाय इज़ अ लोगिया यूज़र और अ स्पेशल पैरामीसिया यूज़र, बट अगर ये सिर्फ क्ले को प्रोड्यूस कर सकता है देन दिस इज़ अ पैरामीसिया यूज़र। And at last, let's talk about Garp. क्या Garp के पास भी कांग्रेस आकी है? देखो, ये चीज़ कन्फर्म नहीं हुआ है, बट फ्रॉम द लुक्स ऑफ दिस पैनल एंड दिस लाइक ये जो लास्ट में हुआ है, दिस डेफिनेटली लुक्स लाइक कांग्रेस आकी। इसमें Garp के हाथ ब्लैक है तो इसलिए ये आर्मामेंट हाकी भी हो सकता है, बट बिग मॉम जब पेज वन को वन शॉट की थी कांग्रेस हाकी इन्फ्यूजन से, तब उसके भी हाथों में आर्मामेंट हाकी फ्यूज्ड था, लेकिन वो यूज़ तो इन्फ्यूजन कर रही थी राइट, कांग्रेस हाकी मारा था ना उसने। सेम यहाँ पर Garp ने भी किया, ऐसा हो सकता है एंड ऐसा लग रहा है मुझे। द ब्लैक लाइटनिंग एंड द इनविजिबल अटैक इज़ अ बिग प्रूफ, लेकिन Garp का जो अटैक है वैसा कांग्रेस हाकी वर्क नहीं करता। कांग्रेस हाकी इन्फ्यूजन में एक थिक लेयर सा बन जाता है अराउंड इन्फ्यूज्ड बॉडी पार्ट और वेपन। इधर पर जो Garp ने किया है इट्स मोर लाइक रियू। देन अगेन, रियू यूज़ करते टाइम कभी भी ब्लैक लाइटनिंग निकलते हुए हमने देखा नहीं है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि Garp ने यहाँ पर कांग्रेस हाकी इन्फ्यूजन एज वेल एज रियू यूज़ किया है, एक्चुअली स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ रियू, मतलब इंटरनल डिस्ट्रक्शन। अगर ऐसा है देन दैट मीन्स कि Garp ने एडवांस्ड आर्मामेंट एज वेल एज एडवांस्ड कॉन्करर्स को एक साथ मस्ती मजाक जैसे यूज़ किया यहाँ पर, लमाओ। क्रेजी। जब तक ना ये चीज़ कन्फर्म नहीं होता कि एक्चुअली में कांग्रेस हाकी ही है, तब तक वी कैन नॉट से एनीथिंग, पता है, लाइक वी कैन नॉट डिक्लेयर कि ये कांग्रेस हाकी है। आई मीन ब्लैक लाइटनिंग तो यार आर्मामेंट हार्डनिंग में भी दिखता है एंड क्लैशेस में भी दिखा है, इवन उसोप उल्टी के क्लैशेस में भाई ब्लैक लाइटनिंग निकल रहा था। इधर बिना क्लैश के Garp का लाइटनिंग निकल रहा है, बट सेम लूफी का भी हार्डनिंग करते टाइम निकला था अगेंस्ट काटाकुरी। तो अभी के लिए वी कैन नॉट एग्जैक्टली टेल कि ये क्या है, बट ये जो भी है बहुत मस्त है। Garp भाई क्या बंदा है भाई। क्रेजी भाई, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की उम्र में ब्लैक बेल्ट पायरेट्स को डिसफंक्शन करने वाले हरकतें कर रहा भाई, एक पंच में आइलैंड फोड़ दिया, डैम मजा आया। नेक्स्ट वीक ब्रेक है, सैड, Garp को एक्शन में और देखना था मुझे। फाइनली Garp को एक्शन देखने मिल रहा है, या तो Garp फैंस खुश हो जाओ। रियली एक्साइटेड टू सी Garp इन दी अपकमिंग चैप्टर्स। इस चैप्टर में से एगहेड के अराउंड हमें कुछ भी नहीं दिखाया ओडा ने, नाइस। डेडिकेटेड था ये चैप्टर इस हाचिनोजू आइलैंड पे। आओकीजी डिवॉन और लेफिट के एगहेड में एंट्री देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। कोबी को Garp ने फ्यूचर ऑफ मरीन्स बोला, डज दैट मीन Garp के कुछ एक्सपेक्टेशंस है कोबी से? आई थिंक सो। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। मेटा वर्ल्ड VPN को चेकआउट करना मत भूलना, डाउनलोड जरूर करना उसको। लाइक द वीडियो इफ यू वॉन्ट टू। 10,000 सब्सक्राइबर्स करने हैं तो सब्सक्राइब, एंड अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेगी, तो बाय बाय।